हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंडियन रेलवे की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ये वीडियो जो है वो आपके जो बीटेक कैंडिडेट हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली ये है। इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले एक रिक्रूटमेंट आया था आपके रेलवे जेई का, जूनियर इंजीनियर का, और उसी के साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी रिक्रूटमेंट आना था, लेकिन उसको रेलवे ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो एक नया एक सर्कुलर जारी हुआ है, हालांकि ये ज़्यादा नया तो नहीं है, ये एक डेढ़ महीना पुराना है, 6/8 का है, मतलब 6 अगस्त का है। मैंने थोड़ा सा देरी कर दिया वीडियो बनाने में, तो ये इसका मैंने हिंदी वर्जन डाउनलोड किया है और वो आपके सामने दिखाऊंगा कि अब रेलवे ने अपने फैसले को बदला है और फैसला अब नया जो आया है वो क्या है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट आप देखेंगे तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लेवल 7 के पदों में सीधी भर्ती बहाल करना, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रोका गया था, सिर्फ और सिर्फ जेई का रिक्रूट किया गया था, तो अब जेई के साथ साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फिर दोबारा से बहाल कर दिया गया है। उसी के रिलेटेड ये लेटर है और ये जो दो लेटर स्टार्टिंग में दिए गए थे उसके रेफरेंस में ये इसका वो दिया गया है, और इसमें मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, आपका ध्यान बोर्ड के उक्त संदर्भधीन पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE के पदों में सीधी भर्ती को अनंतिम रूप से बंद करने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। ये जो दो लेटर बताए गए थे जिसमें ये बोला गया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रोका गया है, तो अब जो डिसीजन लिया गया है ये दोनों उसको करने के बाद फाइनल जो रेलवे बोर्ड का डिसीजन है उसमें क्या बोला गया है, इस निर्णय की समीक्षा की गई, यहाँ से इस निर्णय की समीक्षा की गई है और इन पद पर सीधी भर्ती को बहाल करने का विनिश्चय किया गया है। मतलब ये दोबारा से ये जो है ये आपका रिक्रूटमेंट सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रेलवे शुरू करेगा, ये निर्देश जारी किया गया। और ये सारे के सारे जितने भी जो हैं सभी को, जो भी इम्पोर्टेंट विभाग है उनको सबको ये सर्कुलेट कर दिया गया है और ये बता दिया गया है। तो इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में आपको रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि पिछली बार नहीं देखने को मिली थी, और पिछले 2 रिक्रूटमेंट से शायद ये रोकी गई थी, 2 बार से ये रोकी गई थी। इससे पहले भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जहाँ तक मेरे को याद है शायद 2012 या 14 में भर्ती आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई थी, और सिर्फ जूनियर इंजीनियर की भर्ती पिछली बार तो की गई थी, उसमें 2018 में जो आया था नोटिफिकेशन उसमें सिर्फ और सिर्फ जेई की भर्ती हुई थी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कोई भी पोस्ट नहीं डाली गई थी। लेकिन अब रेलवे ने ये डिसीजन लिया है, ये सर्कुलर के माध्यम से इन्होंने बता दिया है कि आगे इन फ्यूचर जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती इसमें इंक्लूड करके दी जाएगी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। आगे इस तरह के जितने भी इन्फॉर्मेशन हम मेरे पास आते रहेंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।